हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। फ्रेंड्स क्या होता है कि आज के टाइम पे सभी लोग मतलब किसी न किसी समय आपको कभी ना कभी जरूरत पड़ ही जाती है कि आपको किसी को पैसे भेजना होता है, ठीक है फ्रेंड। तो पैसे भेजने के लिए आपको बैंक वगैरह में जाना पड़ता है, बट अब इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। पैसे किसी को आप भेज सकते हैं, अपने किसी दोस्त को या फिर किसी को भी आपने मतलब किसी से पैसे दिए हैं या आपको किसी किसी को किसी भी काम से मतलब पैसे अगर भेजने हैं तो आप घर बैठे बैठे भी भेज सकते हैं ओनली अपने इस मोबाइल के थ्रू, ठीक है। मैं आज आपको यही बताऊंगा कि गवर्नमेंट की जो एप्लीकेशन है ये भीम ऐप, ठीक है, भीम ऐप के थ्रू आप कैसे किसी को पैसे भेज सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है, और आप इस ऐप के थ्रू आप किसी को भी पैसे भेज सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो मैं आपको आज अपनी इस वीडियो में पैसे भेजना आपको सिखाऊंगा सिर्फ एक ऐप के थ्रू, ठीक है फ्रेंड। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आपको भीम ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। भीम ऐप डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करके आप उसमें आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। और उस अकाउंट को बनाने के बाद आपको UPI के थ्रू आप कहीं भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। आपका एक UPI नंबर होगा और आपका खुद का एक UPI पिन क्रिएट होगा जो कि जिसमें कि आपका ATM का नंबर होगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये सारा होने के बाद आप पैसे ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर अकाउंट बना रखा है तो आप कैसे पैसे ट्रांसफ़र करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए सबसे पहले आपको भीम ऐप पे चलते हैं, ठीक है। भीम ऐप पे जाने के बाद आप भीम ऐप को जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको इस प्रकार से स्क्रीन आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना एक जो भी आपने पासवर्ड यहाँ पे सेट किया होगा, जब भी भीम ऐप आपने बनाया होगा तो ये पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। ये पासवर्ड डालने के बाद ही ये ऐप आपका ओपन होगा। तो चलिए पहले पासवर्ड डाल लेते हैं। तो फ्रेंड पासवर्ड डालने के बाद देखिए इस प्रकार का आपका पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ इस पेज पे आपको ऊपर सबसे ऊपर सेंड रिक्वेस्ट एंड स्कैन तीनों ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको सेंड करना है तो इस पर क्लिक कीजिए, अगर किसी से पैसे लेने हैं तो इससे रिक्वेस्ट कीजिए, ठीक है। अगर आपको सेंड करना है तो सीधे सीधे सेंड पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। सेंड पर जाइए आप। तो सेंड पे जाने के बाद फ्रेंड बहुत ही सिंपल है, देखिए अगर इस पर सेव्ड पे, यानी कि आपने किसी का मोबाइल नंबर या UPI ID मैं आपको बता दूं, जो भी भीम ऐप यूज़ कर रहा है, चाहे फ़ोन पे वगैरह यूज़ कर रहा है, तो उन सभी का अपना एक UPI ID होता है, ठीक है। आपका भी एक अपना UPI ID जरूर होगा जब आपने भीम ऐप क्रिएट किया होगा। तो फ्रेंड अगर आपने कोई मोबाइल नंबर सेव कर रखा है, किसी और का UPI ID सेव कर रखा है, तो आप यहां से भेज सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप ऊपर क्लिक करेंगे, आपको किसी का फ़ोन नंबर पता है तो यहां से टाइप कर सकते हैं। UPI ID पता है तो यहां से टाइप करके आपको ऊपर वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, उसे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से भेज सकते हैं। और फ्रेंड इसके बाद दूसरा ऑप्शन है कॉन्टैक्ट का, ठीक है। कॉन्टैक्ट में आपको जैसे किसी का फ़ोन नंबर पता है, ठीक है, तो आप उस फ़ोन नंबर के थ्रू भी पैसे भेज सकते हैं, बट आपको नीचे गिव परमिशन देनी पड़ेगी, ठीक है। और जिस फ़ोन नंबर पे आप पैसे भेज रहे हैं तो वो फ़ोन नंबर उस बंदे के अकाउंट में रजिस्टर होना चाहिए, तभी आप उसके अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अगर वो फ़ोन नंबर उसके बैंक अकाउंट से रजिस्टर नहीं होगा तो आप उस फ़ोन नंबर के थ्रू पैसे नहीं भेज सकते। इसके लिए सबसे पहले आपको नीचे ग्रांट परमिशन देनी पड़ेगी उस फ़ोन नंबर को, और डायरेक्ट उससे पैसे ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। और इसके बाद तीसरा आता है अकाउंट प्लस IFSC, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। तो अकाउंट प्लस IFSC सीधा है, अगर आपको किसी बंदे ने अपना अकाउंट नंबर प्लस IFSC उसका पता है बैंक का, तो आप सीधे डायरेक्ट यहाँ से भी उसे पैसे भेज सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अकाउंट प्लस IFSC से पैसे भेज के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड इस प्रकार से अकाउंट प्लस IFSC पता होने के बाद देखिए सभी बैंकों का यहाँ पे डिटेल आ जाएगा आपके पास, ठीक है फ्रेंड। अगर जिस बैंक में आपको पैसे भेजने हैं, यानी कि जिस अकाउंट में आपको पैसे भेजने हैं वो किस बैंक का है, तो बैंक को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड जैसे कि मुझे जिसको पैसे भेजने हैं उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्लिक करूँगा, ठीक है फ्रेंड।
क्लिक करने के बाद ये देखिए कि काइंडली चेक द बेनिफिशियरी डिटेल बिफोर सेंडिंग मनी, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक का आईएफएससी कोड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, जो भी बैंक का आईएफएससी कोड होगा अगर आपको पता है तो डाल दीजिए, नहीं तो यहाँ पे आप सर्च करके गूगल वगैरह में सर्च करके भी यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो पासबुक में ये लिखा होता है, ठीक है, जिस बंदे ने अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया है उसने उसके पासबुक पे आप उसका बैंक का आईएफएससी कोड भी लिखा होगा, तो ये भी आप उससे पूछ सकते हैं, उसके बाद आप इस पर डाल सकते हैं या गूगल पे सर्च करके भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद नीचे नेम, अकाउंट नंबर और फिर दोबारा उसी अकाउंट नंबर को रिपीट करना है और फिर सेंड करना है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए ये सारी की सारी डिटेल भरते हैं, सबसे पहले आईएफएससी कोड भरिए। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से उसका आईएफएससी जो एसबीआई आईएन से स्टार्ट होगा, ठीक है, 000 और आगे जो भी 4 डिजिट होंगे, ठीक है, इस तरीके से मतलब आईएफएससी इस तरीके से देखिए, सबसे ऊपर बैंक आईएफएससी कोड मैंने डाल लिया, ठीक है, नीचे जिस बंदे को भेजना है उसका नाम, ठीक है, और फिर नीचे देखिए उसका अकाउंट नंबर और फिर दोबारा से उसी अकाउंट नंबर को रिपीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे राइट का बटन लग गया, यानी कि सब कुछ ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे ऑप्शन आ रहा है सेंड का, ठीक है, तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करते हैं तो देखिए इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको सीधे सीधे अमाउंट एंड रिमार्क भर के पे कर देना है, ठीक है। तो अमाउंट में आपको जितना डालना है उतना डाल दीजिए, ठीक है। डालने के बाद नीचे रिमार्क में जो ऑप्शन रिमार्क ऑप्शन है कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे वर्क लिख दिए कुछ भी, मतलब आपकी कुछ लिखे जाए मत लिखे कोई मतलब नहीं है इसे, ठीक है, ये ऑप्शन है। तो इसके बाद सीधे आपको पे के बटन पे क्लिक कर देना। तो देखिए फ्रेंड मैंने पे के बटन पे क्लिक कर दिया, ये मेरे से पूछ रहा है कि प्लीज कंफर्म द डिटेल बिफोर सेंडिंग मनी, दिस नेम अमाउंट एंड नो रिमार्क, ठीक है। एडिट करना है तो एडिट कर लीजिए और यदि कन्फर्म करना है तो सीधे सीधे कन्फर्म कर दीजिए, ठीक है। कन्फर्म में क्लिक कर देता हूँ, कन्फर्म में क्लिक करते ही देखिए फ्रेंड ये यूपीआई पिन मांग रहा है, जो कि आपने ये जैसे ही अपना भीम ऐप क्रिएट किया होगा तो एक यूपीआई क्रिएट हुआ होगा, ठीक है, वही आपको डालना है। तो फ्रेंड मैंने अपना यूपीआई डाल दिया है और मैं इसे सेंड कर देता हूँ, ठीक है, राइट पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड अभी प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस चलने के बाद देखिए साफ साफ बता रहा है यू हैव सक्सेसफुली सेंड 6200 रुपीज, ठीक है, ट्रांजेक्शन आईडी दिस है, टाइम ये है, ठीक है, सारा का सारा आपका आ गया, ठीक है। इसके बाद आप व्यू डिटेल देख सकते हैं, गो होम तो गो होम पे जा सकते हैं, ठीक है, ये पैसे आपके बैंक अकाउंट से कट गए, ठीक है फ्रेंड। तो बहुत ही इजी है, आप घर बैठे बैठे ओनली भीम ऐप को डाउनलोड करके आप पैसे कहीं भी भेज सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। जब भीम ऐप बनते ही आपका एक आपको एक यूपीआई पिन मिलेगा और आपका एक यूपीआई आईडी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, उसके थ्रू आप कहीं भी पैसे बहुत ही आसानी से सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस प्रकार के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। बैंक से रिलेटेड कोई भी काम हो कुछ भी हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय, थैंक यू।